हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिट टॉक्स में, और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं स्प्लेंडर प्लस वर्सेस टीवीएस रेडियन। बाय द वे हम आए हुए हैं चिरागो ऑटो पे, तो आज की वीडियो आपको सिर्फ एंड तक देखने है, जाके आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके लिए 100cc स्प्लेंडर ज्यादा बेहतरीन है या तो फिर 110cc की टीवीएस रेडियन, जो कि दोनों ही सेम प्राइस रेंज में आती है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों ही बाइक के फ्रंट एंड से, तो भाई सीधी सी बात है, स्प्लेंडर अपने साथ एक ऐसा लुक लेके आ जाते हैं जो कि किसी भी एज का बंदा हो गया तो फिर डजेंट मैटर, कोई भी हो उसे पसंद आने वाला है। और स्पेशली स्प्लेंडर प्लस में आप किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, हर तरीके के कस्टमाइजेशन आपको स्प्लेंडर प्लस में अवेलेबल हो जाती है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे टीवीएस रेडियन की, तो अपने साथ एक रेट्रो बट अपीलिंग सा लुक लेके आ जाती है। रोड पे अगर आप इसे लेके निकलोगे तो हर एक बार सभी लोग आपकी बाइक को जरूर से एक बार नजर करके देखने के लिए मजबूर हो जाने वाले, क्योंकि काफी ज्यादा शानदार कलर रेंज आती है इसमें ब्लैक, और स्पेशली इसका जो व्हाइट कलर आता है, और ओवरऑल इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा शानदार आपको देखने को मिल जाता है। बाय द वे लुक्स आपकी अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको रियल लाइफ में कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आती है। तो आज इस वीडियो के हम बहुत सारी गहराई में नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से कुछ पॉइंट्स बात करने वाले हैं। जैसे कि कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट था हमारा लुक, जो कि आपको मैंने बता दिया, अगर पर्सनल प्रेफरेंस पे चॉइस होती तो टीवीएस रेडियन नो डाउट। अब बात आ जाती है इंजन की, तो भाई एक सीधी सी बात है, स्प्लेंडर का जो इंजन है वो बहुत सालों से कंसिस्टेंटली चल रहा है, तो बहुत सारा टेस्ट हो चुका है स्प्लेंडर ऑलरेडी, 10-15 साल तक लोग इसे चलाते हैं। यानी कि स्प्लेंडर का 97.2cc का जो इंजन आता है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, आपको नियर टू 65 के आसपास इजीली माइलेज भी निकाल के देगा। जबकि अगर हम बात करें टीवीएस रेडियन की, तो वहां पे आप देख सकते हो कि जो इसका इंजन डिजाइन है उससे भी टीवीएस ने काफी ज्यादा अच्छा बनाया। यहाँ पे आपको 110cc का एक इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि स्प्लेंडर के इंजन से नो डाउट पावरफुल है। बट इसकी एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद से अभी इसमें पेट्रोल नहीं है, इस वजह से अदरवाइज जो ये रेडियन आती है उसकी आवाज की क्लिप हमने पहले वीडियो में बात की थी, वहां से मैं ऐड करके आपको सुना देता हूं। तो ज्यादातर लोगों को इसकी आवाज पसंद आती है और कहीं सारे लोगों को इसकी आवाज पसंद नहीं आती, तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। बट मैं अगर आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं एक ऐसी बाइक इन दोनों में से जिसे कि आप 10 साल तक चलाओ और बाइक का इंजन काफी ज्यादा शानदार रहे, देन स्प्लेंडर काफी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो जाती है। और अगर आप 5-6 साल तक बहुत अच्छा यूज चाहते हो तो रेडियन के साथ आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड स्मूथ सा रहने वाला है। अब बात आ जाती है कंफर्ट के बारे में, जो कि हर एक बंदे के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है। तो अगर भाई लोग एक सीधी सी बात है, आप देख लीजिए खुद ही स्प्लेंडर की सीट आप अगर देखते हो तो काफी ज्यादा छोटी है और उतनी ज्यादा आपको कंफर्टेबल देखने को नहीं मिलती, जबकि रेडियन में आपको काफी ब्रॉडर साइज की सीट देखने को मिल जाती है, जो कि पिलो राइडर के लिए और फ्रंट ड्राइविंग राइडर दोनों के लिए लंबी सीट यहां तक आ जाती है। और इंक्लूडेड आपको यहां पे टैंक पैड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि अगर आप लंबी राइड पे लेके जाते हो या तो फिर डेली ही सिटी में आपको तकरीबन 50-60 किलोमीटर भी ड्राइविंग करनी होती है तो वहां पे रेडियन काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। सिटी में राइड करने के लिए या तो फिर डेली 50-60 किलोमीटर की राइडिंग के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे स्प्लेंडर के मुकाबले आपके लिए टीवीएस रेडियन की सीटिंग पोस्चर या तो फिर जो ड्राइविंग क्वालिटी है वो काफी ज्यादा शानदार रहने वाली है। अब हम बात करें यहाँ पे कुछ फीचर लिस्ट के बारे में, तो रेडियन में मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं जो कि इसे काफी ज्यादा अपीलिंग बना देती है। यहाँ पे आपको एक एलईडी लाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा शानदार है, बट स्प्लेंडर में आपको कोई भी एलईडी सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वही नॉर्मल सा लुक वही नॉर्मल सी डिजाइन के साथ आती है। कहीं सारे लोगों को 90% लोगों को ये डिजाइन पसंद है, फिर भी 10% लोग ऐसे जो कि अब इससे कुछ अलग चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन काफी ज्यादा शानदार रहने वाला है। क्रोम्स और राउंड मिरर मिलने वाले हैं, शानदार डिजाइनेबल इंजन है,
साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कलर रेंज और इसमें जो ग्राफिक्स डिजाइन दी गई, यहाँ पे रेडियन का 3D लोगो, यहाँ पे TVS का 3D लोगो, टैंक पैड्स देखने को मिल जाते जो कि स्प्लेंडर के मुकाबले रेडियन को काफी ज्यादा रिच एंड प्रीमियम बनाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो स्प्लेंडर में स्टिल आपको वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, i3L सिस्टम, टोटल स्पीडोमीटर, टोटल ट्रिप, साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, फ्यूल मीटर, इंजन वार्निंग लाइट और साथ ही साथ पैसिंग लाइट की जो स्विच है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। जबकि रेडियन आप देख सकते हो आपको काफी ज्यादा अपीलिंग सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इको प्लस पावर मोड है यहाँ पे आपके न्यूट्रल का बटन है, उसके ठीक बाजू में पैसिंग लाइट है, यहाँ पे आपके दोनों टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पे एक पॉनीटेल वाले हॉर्स का लोगो। ये रहा आपका फ्यूल मीटर, नीचे यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर और उसके बाजू में ही आपको जो इंजन वार्निंग लाइट है वो स्विच देखने को मिल जाती है। अभी मैं रेडियो पे बैठा हुआ हूँ, सिटिंग ठीक ठाक है, वो इतनी अच्छी वाव हम नहीं कह सकते क्योंकि 110 सीसी है, तो 110 में इससे भी बेहतरीन बाइक आती है। बट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इसकी कंपैरिजन सीधे तौर पर स्प्लेंडर के साथ होती है, बट इसकी सीटिंग स्प्लेंडर से फार बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हैंडल रिस्ट भी काफी ज्यादा बेहतरीन है आप देख सकते हो। और जबकि हम बात करें स्प्लेंडर की, तो एक ऐसा सीटिंग पोस्चर जो कि हर एक तरीके से आपको कंट्रोल में लगता है, बट हाँ लॉन्ग राइड के लिए नहीं है। 50-60 किलोमीटर से ऊपर अगर आप चलते हो तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगा, बैक पेन होगा या तो फिर आप इसे चलाते चलाते थक जाओगे, वो सभी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। बट स्टिल काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे आपको सीटिंग पोस्चर देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइक के अगर हम टायर साइजेस की बात करें फ्रंट और रियर में, तो स्प्लेंडर में आपको फ्रंट में 18x100 एस्पेक्ट रेशियो का 18 इंच का, और रियर की अगर हम बात करें रियर में भी आपको 18x100 एक्सपी रेशियो का 18 इंच का। जबकि अगर हम चलते हैं यहाँ पे रेडियन के ऊपर, तो रेडियन में आप देख सकते हो इसका जो TVS है वही टायर आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर में भी आपको TVS का टायर ही मिलता है। बट यहाँ पे तो खुद कंपनी ही टायर प्रोवाइड करवा रही है अपनी बाइक में, तो टायर नो डाउट बेहतर रहने वाला है ग्रिप वाइज। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको 2.75 इंच का 18 इंच का टायर देखने को मिल जाए, यानी कि दोनों ही बाइक में फ्रंट और रियर में सेम सा ही टायर साइज आपको स्टिल देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो दोनों ही बाइक बेहतरीन है, वहां पे किसी में भी कहीं पे भी कोई भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग आपको नहीं महसूस होगी। ओवरऑल दोनों ही बाइक काफी ज्यादा अच्छी है। अब इन दोनों ही बाइक की जो प्राइस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में से देखने को मिल जाएगी। तो भाई लोग अब सीधे कंक्लूजन पे आ जाता है कि सही में आप अगर 60-70 हजार इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा बेटर रहने वाली है। तो फॉर अ लॉन्ग टर्म यूजेस, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म यूजेस के मामले में स्प्लेंडर प्लस, और फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस टू राइड, फॉर अ बेटर सिटिंग पोस्चर, फॉर अ बेटर डिजाइन एंड फॉर समथिंग न्यू, देन TVS रेडियन आपके लिए ओवरऑल काफी ज्यादा बेहतरीन सौदा लेके आ जाती है। यहाँ पे भी आपको आपका जो लगेज है उसे कैरी करने के लिए दिया जाता है, एक दमदार इंजन है जो कि अपने साथ काफी अच्छी पुलिंग पावर भी लेके आ जाता है। तो ओवरऑल मैंने बोला वैसे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हीरो का भरोसा और एक लॉन्ग टर्म यूजेबल बाइक फाइंड आउट कर रहे हो, देन स्प्लेंडर प्लस। बाकी सभी मामलों में माइलेज हो गया, डिजाइन हो गया, फीचर लिस्ट हो गया, रेडियन काफी ज्यादा बेहतरीन आपके लिए साबित होने वाली है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो अपडेट, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।